नमस्ते। आज हम चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर पार्ट है, मैंने थ्री पार्ट्स लिए हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इससे पहले हमें एक चीज़ बस फंक्शन चेंज करना आना चाहिए। जब भी हम किसी भी चीज़ को, कोई भी फंक्शन है जैसे कि साइन फंक्शन है, उसे 90 से माइनस करें। जैसे जस्ट लाइक साइन 90 माइनस कोई भी एंगल जैसे कि 50, तो इक्वल क्या आएगा? जो साइन है 90 का मतलब होता है फंक्शन चेंज, तो साइन का फंक्शन चेंज होता ही कोस। ये मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, और जे 90 से थीटा वैल्यू माइनस कर दे, जैसे यहाँ पे 50 है तो 50 माइनस 90 इक्वल टू 40। यस, समझ आई बात है? ये हमारा फंक्शन चेंज करने का रूल है, जो हम किसी भी फंक्शन में लगा सकते हैं। 10 में भी लगा सकते हैं, 90 माइनस करते हैं हमें कोट में बदल जाता है फंक्शन। आप सबको पता है कि साइन से कोस में, 10 से कोट में, और कोस से सेक में। ठीक है, तो ये फंक्शन चेंज होते हैं। चलिए आइए आप अपने क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आंसर यहाँ पे टाइप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले ये एक एरो, मैं साइन, ये आपका साइन, और यहाँ पे कोट, कोट कितना है? 72। ठीक है, ओके। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल वही, अब यहाँ पे मैं फंक्शन चेंज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ साइन में। ठीक है, देख सके, देखिए यहाँ पे मैंने साइन 18 को मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 18। ये मैं फंक्शन चेंज करने के लिए कर रहा हूँ, साइन से कोस में जाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे, साइन 90 माइनस 18 हो जाएगा तो कोट कोस 72। देखिए 90 में से 18 माइनस तो 72, और साइन का 90 से फंक्शन चेंज हो गया, साइन कोस में आ गया। अब देखिए ऊपर भी कोस 72, नीचे भी कोस 72, तो कोस कोस क्या हो जाएगा? यस, कट जाएगा ये वाला इससे और ये वाला इससे, कट गया टोटल। तो आया क्या आंसर? 1। ठीक है, इसे मैं अभी टाइप कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। आंसर 1। ठीक है, आंसर 1। अब सेकेंड पार्ट करेंगे इसी का। आइए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन उतार लेता हूँ पहले। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कहता है? 10 26 और कोट 64 को अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आएगा आंसर? सिमिलरली इसी भी करेंगे ऐसे ही, कि पहले एक को ऊपर हो या नीचे, किसी को भी बदल लो, 10 को कोट में बदल लो या कोट को 10 में बदल लो, बाय फंक्शन चेंज के फॉर्मूले से। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब इसका हम फंक्शन चेंज करेंगे। इसे मैंने लिख दिया 90 माइनस 26। अब आगे देखिए, जब 90 माइनस 26 करेंगे तो आपका क्या आएगा? यस, 90 में 26 माइनस कर दो तो आप 64। तो 64 और 10 90 से कोट में बदल जाएगा फंक्शन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोट 64, और नीचे भी कोट 64 है, तो ये कोट 64 क्या हो जाएगा? कट, एक दूसरे से ये कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1। यस, अब नेक्स्ट, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, देखिए ये वाला, कि कोस 48 माइनस साइन 42, तो कितना होगा आंसर? आइए इसको फिर से वही हमारा पहला वाला रूल फंक्शन चेंज करने का लगाते हैं। यहाँ पे पहले हम किसी भी साइन को भी कर सकते हैं, कोस को भी कर सकते हैं, तो इस बार कोस को करते हैं फंक्शन चेंज का। तो देखिए कोस 90
माइनस ओ एन आ गया था, सॉरी 90 माइनस 48, यस 48 क्लोज ब्रैकेट, इसके बाद माइनस है आपका, माइनस कितना साइन 45, साइन 45 42 सॉरी 42। अब इसके आगे आंसर क्या आएगा? ओके तो साइन ये 90 वाला, 90 से 90, 90 में से 48 घटा देंगे तो 42 आ जाएगा, और साइन का फंक्शन चेंज हो जाएगा इसमें, यस कोस का फंक्शन साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 42 माइनस, और ये वाला साइन आपका, ये वाला साइन अब साइन 42, ठीक है। अब इन दोनों साइन 42 फाइन साइन 42 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, यस 0, आपका आंसर 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख लीजिए एक बार दोबारा देख लीजिए जिन्हें नहीं समझा। पहले हमने क्या किया, कोट ये हमारा क्वेश्चन है, अब इस वाले कोस को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्या कहते हैं फंक्शन चेंज करने के लिए, कोस से साइन में लाने के लिए। अब इस साइन, अब देखिए इस वाले को यूं लिख दिया मैंने, कैसे 90 में से 48 गए तो 42, और 90 था इसीलिए फंक्शन चेंज हो गया, कोस से साइन में चला गया। अब सबको पता है कि सेम संख्या को सेम संख्या से माइनस करने पर आंसर 0 आता है। इसी के साथ हमारा हमारे एक वीडियो समाप्त होती है। सब्सक्राइब माय चैनल, आने वाले टाइम पे इस पे 10th क्लास की इस चैनल पे 10th क्लास की सारी मैथ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगी। ओके।